हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग, जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं ऐसी। वाह, कार्ड्स उल्टे हो गए हैं यहाँ पर, एज इफ कि जैसे वहाँ पे बैठ के कोई रीडिंग करना चाह रहा है। सो लेट देम डू द रीडिंग फॉर यू। हम कार्ड पुल आउट करते हैं एंड देखते हैं कि क्या चीज़ आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ ब्लॉक कर रही है आपको। सो वी डू हैव द वाओ, लुक एट दैट। मैंने कार्ड्स एक्चुअली उल्टा स्प्रेड किया है और कार्ड उल्टा ही वो हुआ है। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली यहाँ पे कोई एंटिटी ज़रूर है मेरे साथ जो कि इस रीडिंग में मेरे साथ है। बट येस, कमिंग बैक टू द, अच्छा, आप में से कुछ लोग ब्लैक मैजिक के अंडर हो सकते हो जिसकी वजह से आपको ब्लॉकेजेस फील हो रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जो आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस हैं, आप कहीं ना कहीं चेंड हो टू द पास्ट। आपको उस चेन को ब्रेक करना है। ब्लॉकेजेस जो हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा डार्क एनर्जी आई कैन फील राइट नाउ, टू बी ऑनेस्ट। देर इज समथिंग आई वॉन्ट बी सरप्राइज अगर इसमें से कोई कार्ड अगर भी खुद से हिल जाता है तो। आई कैन फील सम एनर्जी राइट नाउ। आप में से कुछ लोग ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में हो सकते हो। आपको पास से भी ब्रेक अवे करना है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि जो आपका जो ब्लॉकेजेस हैं उसके ताने बाने आपके पास से कनेक्टेड हैं। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए अगर आपका कोई पास्ट घर था, लाइक पुराना घर था, उसमें कोई चीज़ हो सकती है जिस पे ब्लैक मैजिक करके रखा हो, जो कि शायद आप में से कुछ लोगों के लिए वैलिड होगा ये पॉइंट, लेकिन आई एम पिकिंग अप दैट एनर्जी, आई एम चैनलिंग दैट एनर्जी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। कोशिश करो कि ऐसा कोई भी मामला है तो उसको रिजॉल्व करो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। कहीं ना कहीं आपके जो ताने बाने हैं, आपके ब्लॉकेजेस के, वो पास्ट से कनेक्टेड हैं, उससे आपको अपने आप को ब्रेक फ्री करना है। ब्लैक मैजिक अगर है तो वो भी पास्ट के किसी पर्सन से की तरफ से है, तो वो आपको ब्रेक फ्री करना है। आप में से कुछ लोगों को मुझे लगता है कि आपका जो पर्सन रहा है पास में, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी आपको एक जिसे बोलते हैं ना कि कंट्रोलिंग एनर्जी के साथ आपकी ज़िंदगी में रहा है। बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता था आपका पास्ट पर्सन आपको। और अगर आप करंट ऐसे किसी पर्सन के साथ हो तो वो पर्सन आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है, जिसकी रिलेशनशिप पे रहते हुए आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि द फियर ऑफ बींग लेफ्ट आउट या लेफ्ट अलोन, वो भी आपको किसी ऐसी सिचुएशन में रख रहा है जो कि ख़त्म हो जानी चाहिए। सो देर इज़ समथिंग जिसको लेकर यू आर चेंड, जिसके साथ आप अटैच्ड हो इन अ अनहेल्दी वे। वो चीज़ ख़त्म होने की बहुत ज़रूरत है, जिसके बाद आपकी लाइफ में आप पॉजिटिव चेंजेस आते देखोगे। लेट मी टेक सम मोर कार्ड्स, क्योंकि यहाँ पे लाइक आई सेड अर्लियर, आई कुड पिक अप सम एनर्जी जो कि पॉजिटिव डेफिनेटली नहीं थी। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कौन हो सकता है वो पर्सन जिसने आप पर ब्लैक मैजिक किया हो। अगर हम फर्दर डिटेल में जा सकें उस पर्सन को लेकर, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट। आप में से कुछ लोगों के लिए, अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको आने वाले एक से दो दिन के अंदर अंदर, या शायद 11 दिन के अंदर अंदर अगर हम बात करें, तो एक से दो दिन भी हो सकता है, लेकिन 11 दिन के अंदर अंदर आपको वो पर्सन ख्वाब में दिखेगा, या पर्सन आपके सामने आएगा किसी भी एंगल से, किसी भी तरह से आपको उस इंसान का नाम दिख सकता है और आपके माइंड में फ़ौरन क्लिक करेगा कि साथिया ने ये बात कही थी, और शायद ये एक साइन है कि ये पर्सन वही है जिसके एंड से काला जादू हुआ है, ब्लॉकेज है। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपको पास की चीज़ों को, यू नो, आपकी ये जो ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, ये लव में भी हो सकते हैं, करियर में भी हो सकते हैं, फाइनेंसिस में भी हो सकता है। अगर हम करियर की बात करें, आपके पास कोलीग में कोई हो सकता है, जैसे जिसको आपकी ग्रोथ पसंद नहीं थी, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे जेलस होता था, आपकी ग्रोथ से जेलस होता था, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अब मसले मसाइल चल रहे हो सकते हैं, लेकिन जो भी ये पर्सन है ये आपके सामने आ जाएगा, यू नो, रिवील हो जाएगा जो भी ये पर्सन है जो कि आपको ब्लॉक कर रहा है, आपके रास्ते को ब्लॉक कर रहा है।
तो कप्स भी है एंड एस ऑफ वॉन्स भी है. मुझे लगता है कि आप 11 दिन के अंदर अंदर इस सिचुएशन को, एक तो ये खुलकर सामने आ जाएगी, दूसरा जो भी ये पर्सन है ये आपके करीब था बहुत ज़्यादा, और इसके अंदर आपको लेकर बहुत ज़्यादा एंगर अग्रेशन है. फायर साइन हो सकता है, वाटर साइन हो सकता है. मुझे लगता है कि जो भी ये पर्सन है ये आपके क्लोज है, लेकिन ये पास से कनेक्टेड है. हो सकता है कि आप स्टिल इस इंसान के साथ इन टच हो, लेकिन ये पर्सन सही नहीं है. ये पर्सन आपके लिए, आपके, हो सकता है कि इसके साथ आपने कुछ नया स्टार्ट किया हो. करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तब भी, अगर लव की बात करें तब भी, आपका इनिशियली आपका कनेक्शन काफ़ी पॉजिटिव और हैपनिंग रहा हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन और आपके दरम्यान में ज़्यादा चीज़ें जम नहीं सकी, ज़्यादा चीज़ें रह नहीं सकी, क्योंकि आप दोनों शायद इंट्यूटिवली या स्पिरिचुअली शायद कनेक्ट नहीं कर पाए. आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको इस इंसान से नेगेटिव वाइब आती हो पहले भी. जैसे होता ना कि आपको लगता है कि आप दोनों स्पिरिचुअली सेम पेज पे नहीं हो. हो सकता है कि दिस पर्सन इज़ लाइक वो डेविलिश काइंड ऑफ वर्क में इन्वॉल्व हो और आपको इन चीज़ों से नफरत होती है, तो आप यू कुड सेंस, या जैसे एक नेगेटिव वाइब होती है ना, तो आप पिक कर जाते हो. कुछ लोग ऐसे होते हैं, इन रिसेंट टाइम्स आई हैव मेट जस्ट वन पर्सन ऐसा जिसको देख के यू कैन टेल कि कुछ तो गड़बड़ है. एक एक आपको उनकी वाइब ही डिफरेंट होती है. तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, यू कैन पिक इट अप. और लकीली मुझे ऐसे लोग यूजली दिखते नहीं हैं या मिलते नहीं हैं, एटलीस्ट नॉट इन अ वे जहाँ पे मैं किसी के साथ इंटरेक्ट कर सकूँ. बट आई कैन पिक इट अप कि कौन सा पर्सन ऐसा हो सकता है जिसकी इंटेंशन जो है वो किसी को भी लेके, नॉट लाइक कनेक्टिंग टू मी इन एनी पॉसिबल वे, लेकिन किसी को भी देख के. कुछ लोग होते हैं ना, आप बता सकते हो कि ये बहुत ही नेगेटिव किस्म का इंसान है, या जो कि इस तरह के मामला कर सकता है, जादू वादू कर सकता है. मुझे लगता है कि ये पर्सन भी ऐसा एक एक आपकी आपकी सराउंडिंग में हो सकता है, जिसके बारे में आप जानते हो कि ये इसने ऐसा कुछ किया हो सकता है, या फिर जिसकी वजह से आपने इसको, इससे अपने आप को दूर किया. तो कोई ऐसा पर्सन है जिसकी वाइब आपको भाई नहीं, आपको आपको लगा कि कुछ नेगेटिव है. सो एक 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 बहुत ही डार्क एनर्जी इस इंसान की हो सकती है, और जिसकी वजह से आपने इस इंसान से अपने आप को दूर किया या चीज़ों को आगे नहीं लेके गए आप इस इंसान के साथ. मुझे लगता है कि इस इंसान ने आपके साथ बहुत ज़्यादा कोशिश की हो सकती है कि ये आपके साथ रहे, आपके पास रहे, आपको खुश करने की भी कोशिश की होगी. आपको कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपका बहुत क्लोज रहा है, जो भी ये पर्सन है. तीन लोग भी हो सकते हैं, आपका ग्रुप ऑफ 3 पीपल भी हो सकता है, जो कि सिग्निफिकेंट है इस पूरे सिचुएशन को लेकर. लेकिन ये जो भी पर्सन है, मुझे लगता है कि इस पर्सन से आपको कट ऑफ कर लेना चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है. बिकॉज इट सीम्स लाइक कि कुछ ऐसी है चीज़ जो चेंड है टूवर्ड्स आपके पास के साथ कनेक्टेड है, एंड इट्स इट हैज़ चेंज ड्यू टू टू दिस सिचुएशन जो कि आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेजेस लेकर आ रही है. सो अपने आप को जितना जल्दी इससे फ्री करोगे उतना जल्दी आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो जाएगा. आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जो भी पर्सन है, फायर साइन का एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पर. फायर फायर इसके अंदर भी है, एज एन लाइक जैसे कुछ लोगों को आग लग जाती है टू टू सी समवन सक्सीड, चाहे वो लव है, करियर है, इस तरह का ये पर्सन रहा है. मुझे लगता है कि आपने इसको जब छोड़ा तब से इसका दिमाग बिल्कुल फारिग हो गया है, और इसने तब आपके ऊपर कुछ मैजिक किया हो सकता है. यू डिडंट वॉन्ट दिस पर्सन एनर्जी इन योर लाइफ, और ये चीज़ इससे बर्दाश्त नहीं हुई, और तब से इसने ब्लॉकेजेस का जो सिलसिला है वो स्टार्ट किया हो सकता है. बट यस, मुझे लगता है कि आप अपने आप को ब्रेक भी कर सकते हो इस सिचुएशन से. अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बट पेड सर्विसेज हैं, सो चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या रीच आउट कर सकते हो मुझे इनबॉक्स में. और इनबॉक्स मीन्स फॉर द टिकटॉक पीपल. तो अगर आप परचेज कर सकते हो सिर्फ तभी कॉन्टैक्ट करो, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी. बट येस, यू कैन डू इट विद समबडी एल्स जिस पे आपको ट्रस्ट हो, उसके साथ भी कर सकते हो, इस मसले का हेल्प सॉल्व कर सकते हो. सो या ये थ्री रीडिंग आप लोगों की, अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय.